हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, रोजाना की तरह आज हम आपके लिए फिर से एक रोचक सवाल लेकर के आए हैं, जिन्हें जानने की इच्छा तो आपको हो ही रही होगी। तो चलिए फटाफट ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का हम आपको सवाल बताते हैं। तो आज का हमारा सवाल है दोस्तों, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम इसका जवाब बताते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। यह वायुमंडल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, जल वाष्प और बहुत सी दूसरी गैसों से मिलकर के बना है। दोस्तों, सूर्य और तारों से आने वाला प्रकाश इस वायुमंडल से होकर ही हम तक पहुंच पाता है। धरती को मिलने वाली प्रकाश मुख्य रूप से सूर्य से ही आता है। दोस्तों, जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह वायु, धूल और जल वाष्प के अणुओं से टकराता है। इन अणुओं से टकराने के कारण सूर्य का प्रकाश सभी दिशाओं में बिखर जाता है। प्रकाश के बिखरने के कारण ही सूरज निकलने पर चारों ओर उजाला फैलता है। दोस्तों, सूर्य का प्रकाश सात रंगों यानी कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल से मिलकर के बना है। दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल के कणों से टकराती हैं, तो इन सात रंगों में से बैंगनी, जामुनी, नीले रंग सबसे अधिक बिखरते हैं और लाल सबसे कम। प्रकाश के बिखरने से हमारी आंखों तक ये तीन रंग की अधिक मात्रा में पहुंचते हैं। इन तीनों रंगों का मिश्रण लगभग नीला होता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में और भी अधिक जानकारी है तो प्लीज आप अपने अनुभव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि इसके बारे में दूसरों को भी पता चल सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमारे और भी नए नए रोचक सवालों के अपडेट्स आपको आसानी से मिलते रहें।